बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। वहीं नगर निगम के महापौर रामशरण यादव मामले में किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अवैध प्लॉटिंग का काम पूरी तरह से तहसील और रजिस्ट्री स्तर पर होता है। नगर निगम के पास रजिस्ट्री और नामांतरण के बाद मामला आता है और अवैध कॉलोनी बनाने वाले का नाम पता नहीं चल पाता, इसलिए अवैध प्लॉटिंग के लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं है। अवैध प्लॉटिंग को तहसील और रजिस्ट्री स्तर पर रोका जाना चाहिए। आदमी मकान बनाने के लिए हमारे पास आता है, तब हमको पता चलता है कि ये फलाने का जमीन है और मकान, हम उसमें बाहर दस्तावेज को देखते हैं, हम सीधा दस्तावेज को नहीं देख सकते, क्योंकि जब नगर निगम में एप्लीकेशन देते हैं तब निर्माण के लिए हम दस्तावेज देखते हैं, तब पता चलता है कि ये वैध है कि अवैध है। ठीक।